नमस्कार राधे राधे, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे यहाँ पर हम एक ऐसी राधेश्याम तर्ज की जिसे अच्छे अच्छे लोग गा नहीं पाते हैं। गा भी लेते हैं तो उतना अच्छा बजा नहीं पाते हैं, और बजा भी लेते हैं तो उन्हें पक्के स्वर नहीं मालूम है। तो इस सब बातों पर आज चर्चा होगी इस वीडियो में। वो तर्ज पर हजारों भजन है। देखिये ये जो है खमाज थाट में है ये तर्ज हमारी, ये ऐसी तर्ज है आप लोगों ने सुनी तो जरूर होगी लेकिन कभी ये सोचा नहीं होगा ये तर्ज निकलेगी तो कैसे निकलेगी। बट एक काम आप लोगों करना है, बस एक लाइक करना है, और लाइक करके अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ये हमारे जो है गांव देहात की गायकी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। देखिए ये जो है करुण रस में है, ये तर्ज जो है करुण रस में है। इस पर राधेश्याम रामायण भी हम गा सकते हैं, हम कीर्तन भी गा सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं। बस काम आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है अगर समझना है इसे तो अच्छी तरीके से। काफी अच्छा समय जो है 10-15 मिनट में गुजरेगा आप लोगों का, हमारा तो पूरा समय जो है हम आप काटेंगे 10-15 मिनट। देखिएगा इस वीडियो को और समझिए इस चीज को। अगर संगीत से आप रुचि रखते हैं तो हमारी भजन की रास्ता, ठीक है। भजन और राधे श्याम सेम है लेकिन थोड़ा सा राधे श्याम में गाते समय आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मोड़ लेना होगा, हल्का सा मोड़ लेना होगा, वो भी करेक्ट आ जाएगी। आपको जो है विद नोटेशन के साथ में स्क्रीन पर नोटेशन आपका अभी मिलेगा। पहले समझ लीजिए कितने भजन हम गा सकते हैं। एक कमेंट चैनल पर अभी आया था थोड़ी देर पहले कि आप ऐसे एक दो भजन करके कितने आप भजन बताएंगे, कितना समय लगेगा सीखने में, पूरी जिंदगी लग जाएगी, ऐसा नहीं है यार। मतलब कहने का मतलब जैसे एक ये रास्ता तर्ज सीख ली, वो तर्ज एक ही जो जो हम तर्जें बता रहे हैं इस पर एक भजन नहीं है, इस पर हजारों भजन तर्जें हैं। भजन गा सकते हो, कुछ भी गा सकते हो। और दूसरी सबसे मेन जो बात होती है, हम इसलिए ये क्यों बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आपको ये सीखने से क्या लाभ होगा। आपको सीखने से ये लाभ होगा कि आपको सुर की अभ्यास, जो सुर का अभ्यास होता है वो हो जाएगा। उसके बाद में जैसे इस भजन में अलाप कितनी हो गई आपने अभी, आपको बताऊंगा देख कितनी अलाप है इसमें। तो अलाप जिसे हम खटका मुर्की बोलते हैं ये चीज इसमें कितनी है। ऐसे ही जब ये इस भजन में आपको ये चीज आ जाएगी तो आगे के कितने भी कठिन भजन हो तो उसमें आप ये चीज आराम से लगा लोगे, समझ जाओगे कि हाँ क्या क्या होता है, कैसे ये खटका मुर्की और जो है कितना गैप आवाज में क्या होना चाहिए, कैसे ये चीज, सब चीज की जानकारी भजनों के द्वारा ही, गीतों के द्वारा ही हमको प्राप्त हो पाती है। बाकी जो है सारे गामा पाधा निशा ये सब करने से जो है बढ़िया है, करने से बहुत अच्छी बात है, हम भी बताते हैं कीजिए इनको, लेकिन उससे करने से आपको सिर्फ जो है स्पीड बढ़ जाएगी और आपका जो गला अच्छा हो जाएगा, गले का रिहाज हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ स्वर जो है हारमोनियम आप तभी बजा पाएंगे जब आप भजन जैसे ऐसे ये भजन बता रहे हैं इस चीज़ को निकालेंगे, ठीक है। आप बड़े विद्वान से विद्वान के पास में जाइए और देखिए समझिए, वो भी यही बताएंगे। नहीं तो लोग तो अपने ये चक्कर में डाले रहते हैं कि इतना इस ये कीजिए वो कीजिए ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई। अब आ जाइए आगे, देखिए आपको और बताते हैं, मैं और चीज समझा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये तो हमने एक भजन गाया, अब इसी पर राधे श्याम हम गाकर देखेंगे। देखिए बात उस समय की है, इसमें यहाँ पर राधे श्याम चौपाई में जो है भागवत से गा रहा हूँ कि जब जिस समय जो है जब भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को मारने के लिए जैसे ही दौड़ता है तो वसुदेव जी तलवार पकड़ लेते हैं और तलवार पकड़ कर कहते हैं हे महाराज कंस अगर मारना है तो मुझे मार दो, इसे क्या मारे फायदा है, ये तो अबला है, अरे मारना है तो मुझे मार दो। और तब वसुदेव जी कहते हैं भोजराज कंस से, वहां पर की मैं चौपाई सुना रहा हूँ आपको, देखिए भागवत की तलवार, अब तलवार हनो मेरी गरुदनो पर जब मेरा मरण हो जाएगा तेरी बहन रणापा भोगेगी, जक लला नहीं हो पाएगी।
एग्जांपल के तौर पे आपको और बता रहा हूँ मैं, जिस समय जो है रामायण में अगर गाएं तो रामायण में भी ये गाय उसी जगह पर जाएगी जहाँ पर करुण शब्द की बात आती है। जैसे लंका में जो जिस समय सूर्पनखा जाती है और रावण के सामने खड़े होकर कहती है भैया कि भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक बनो में आए हैं, ये चीज है ना, तो जो है आप वहां पर गा सकते हैं। ठीक है, अब इसका नोटेशन स्क्रीन पर देखिए, अब चालू हो जाइए, समझिए इसे। अब पहले भजन की समझिए, ओ धब से सापा ओ धब से राधा बोली धा पा 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 धा पा मा, ये अलाप है धा धा धा। ठीक है, पा 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 धा पा मा, ये अलाप है। ओ धब से राधा बोली, ठीक, ये अलाप करनी है आपको, कंप्लीट। सुनो उधव फिर माधा, ठीक, माधा पहले क्या है, सा पा 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 धा पा मा, ठीक है, समझ गए, हमारी माँ पर आकर रुक जाएगी। उधव से राधा बोली, कंप्लीट। सुनो उधव बचन, अब सुनो उधव माधा पागा मा धा, सुन उधव मा धा, सुन उधव, ठीक है, सुन उधव बचन हमारे, अब ये सुन उधव बचन हा, ठीक, सुन उधव बचन, ठीक, सुन उधव बचन, कंप्लीट, सुन उधव बचन, कंप्लीट, समझ में आ गया, सुन उधव बचन, यही रामायण में, ये चौपाई में भी चलेगा ये चीज, सुन उधव बचन, नोटेशन इसका पा, ठीक है, मा मा, सुन उधव मा धा पा गा रे सा गा रे, फिर गा रे गा सा गा रे सा गा रे, ठीक, सुनो उधव बचन हमारे सागारे, ठीक है, परसों की सारे, ठीक है, परसों की कही गए मोहन, यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर ही जितना समझ में आ जाए, बस यहाँ पर अगर समझ में आ गया तो पूरी तरह जा गई हमारे, ठीक, इतना हमारे, यहाँ से प्ले करते हैं, यहाँ तो पीछे वाला तो कंप्लीट हो गया होगा, हमारे, सुन सुन उधव बचन हमारे, ठीक है, परसों की सारे रे परसों की कही गए मोहन सारे रे 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 सारे सानी, ठीक, परसों की कह गए मोहन, ठीक, यही यहाँ पर भी अलाप है, परसों की कह गए मोहन, ठीक, मोहन, ठीक, मोहन, हमें थोड़ा सा ऐसे डबल करना होगा साखो, तभी शुद्ध हो जाएगा, परसों की कह गए मोहन, इस तरीके से, ठीक, परसों की कह गए मोहन, कंप्लीट, आहे नहा निसागा, ठीक, आहे नहा बंसी बारे निसा गा रे रे सा, आए नहा बंसी बारे निसा गा गा रे रे सा, आहे नहा बंसी वाले, ठीक, आहे नहा बंसी वाले, कंप्लीट। अब इसमें जो है चौपाई में फर्क कितना, चेंज कितना है चौपाई में देख लीजिए, कि घुमड़ाओ इतनी तागत से, यही सेम रहेगा, थोड़ा चेंज होगा, घुमड़ाओ इतनी तागत से पृथ्वी पृथ्वी के परत, ठीक,
पृथ्वी के परत पलटो जाए पलटो जाए सागारे, वही चीज है, पलट जाए घुमड़ाओ सारे, फिर वही वही चीज है, घुमड़ाओ इतनी ताकत से, ठीक, घुमड़ाओ इतनी ताकत से, कानों के पर्दे। अब पहले हमने जो है सानी गा रे सा किया था, अब हमें कानों के पर्दे, अब सीधा चलते ही जाना, नी सा रे मा का, कानों के पर्दे, ठीक, कानों के पर्दे फट जाए, बस इतना ही कर देना है, कानों के पर्दे, फिर हमारा रे मा जो है और जुड़ जाएगा, बस रे और मा, बाकी जो है वही रहेगा, कानों के पर्दे फट जाए, कानों के पर्दे फट जाए, कानों के पर्दे फट जाए, कंप्लीट। तो उम्मीद तो कर रहा हूँ कि कंप्लीट ही आ गया होगा आपको, आ गया है तो एक कमेंट और लाइक शेयर तो बनता ही है यार, कर दीजिए, क्या है भैया, राम राम।